गाइस ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक बुलबुल है। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम जा रहे थे रास्ते में, तो ये गाड़ी से इसकी टक्कर हो गई थी। मैं बाइक चला रहा था तो सामने ही आ गई, सामने मेरे सामने ही इसकी गाड़ी से टक्कर हुई थी। तो इसको बोलते हैं रेड वेंटेड बुलबुल, इसे वेंट है इसकी जो बिल्कुल रेड होती है, आपने भी देखी होगी शहरों में गाँव में, ठीक है। तो इसकी टक्कर हुई पड़ी है, तो ये उड़ने की हालत में फ़िलहाल है नहीं गाइस। देखिए बहुत ही सुंदर होती है ये, इसका जो खाना पीना होता है वो ये फ्रूट वगैरह खाती है, फ्रूट्स वगैरह हो गया, शायद कीड़े वगैरह आई थिंक वो भी खाती है। तो देखते हैं इसको, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको एंटीबायोटिक वगैरह देंगे। तो अगर ये उड़ने की हालत में होगी तो इसको उड़ा देंगे, ठीक है गाइस। तो ये रेड वेंटेड बुलबुल बोलते हैं इसे, बहुत सुंदर ये चिड़िया होती है, ये देखिए। तो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट करेंगे कुछ ना, इसके पैर वगैरह हैं ये भी, इसके थोड़े घायल हो गए हैं, ठीक है, ये घायल हो गई पूरी, उड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है ये। अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो गाइज इसे कोई ना कोई कुत्ता वगैरह है या फिर कोई भी जानवर, बिल्ली वगैरह इसको खा लेगी। क्योंकि जब गाइज जब मैंने इसको उठाया था ना तो ये काफ़ी हाँफ रही थी, अब तो इतनी हाँफ नहीं रही है, उस टाइम तो काफ़ी हाँफ रही थी ये। तो ठीक है, ये जिंदी है फिलहाल तो, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, इसको खाने में एंटीबायोटिक वगैरह देंगे इसको, तो उसके बाद इसे उड़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको उसके बाद उड़ा देंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, तो ठीक है। ये देखिए अगर ये ठीक हो जाएगी तो एक वीडियो बना दूंगा मैं, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नेटवर्क के साथ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी।